नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देशी रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ राजमा। राजमा बने और चावल ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। राजमा चावल की तो जोड़ी ही अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजमा चावल बनाना। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। यहाँ पर मैंने रेड वाले राजमे लिए हैं। एक कटोरी राजमा लिया है, नाप से बोलूँ तो ये 200 ग्राम होएगा। इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया है ओवरनाइट। ये देखिए हमारे राजमे अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैं इनको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। मैंने राजमे को अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने हल्का सा बेकिंग सोडा डाला है और यहाँ पर मैंने हल्का नमक भी डाल दिया है। मैंने 1.5 गिलास पानी डाल के इसको 6 सीटियाँ लगा दी हैं। राजमा मेरा थोड़ा लेट पका था। ये देखिए राजमे मेरे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ये पक चुका है। अब मैं छौंक की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, कुकर में नहीं छौंका है। ग्रेट किया हुआ अदरक, यहाँ पर मैंने 5-6 हरी मिर्च ली हैं और प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी चीज़ में इसको छौंक सकते हैं। जीरा मेरा तड़क गया है तो मैंने हरी मिर्च डाली है इसमें। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन का जो कस के बनाया था पेस्ट वो डाला है मैंने। हमारी हरी मिर्च जब अच्छे से हो जाएंगी तब हमें इसमें प्याज डालने हैं। ये देखिए इस तरीके से। राजमा बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं चाहिए होती है, लेकिन जो न्यू कमर हैं, अभी जिनकी अभी न्यू शादी हुई है, वो लोग अभी किचन में बहुत कुछ नहीं जानते, या किसी की जॉब लगी है कहीं बाहर, अभी तक मम्मी के हाथ का खाना खाए हैं तो बाहर गए हैं, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होती है। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। मैंने टमाटर को अच्छे से कद्दूकस से कस लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो घर से बाहर हैं या जो अभी नहीं जानते हैं खाना बनाना। ये देखिए प्याज हमारे हल्के गोल्डन हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। कस्तूरी मेथी हमें डायरेक्ट तेल में नहीं डालनी है, नहीं तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है। हमने प्याज के साथ इसको डाला है। हमें इसे कस्तूरी मेथी को ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इससे इसकी महक गायब हो जाती है। बस हमें हल्का ही इसको भूनना था, बहुत नहीं इसको भूनना है। यहाँ पर मैंने ग्रेट किया हुआ टमाटर डाल दिया है। हमें 3-4 मिनट टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाए। ये देखिए मेरे धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, किचन किंग। यहाँ पर देखिए जो मैंने टमाटर डाले थे वो भी लमसम हो चुके हैं हमारे। और प्लीज़ जब तक मेरे मसाले तैयार हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। और कमेंट करके बताना कि आपको मेरे राजमे की रेसिपी कैसे लगी, और लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अगर आपको मसाले ज़्यादा सूखे लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। मुझे नहीं लग रहा था, मैंने ऐसे ही ढक के इसको पकाया। ये देखिए सारे तेल हमारा मसाले से अलग हो चुका है। मैंने एक बार फिर से इसको चला दिया है। मसाले हमारे बिल्कुल तैयार हैं और मसालों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए राजमे डाल दिए हैं। इसमें जो राजमा मैंने बॉईल किया था वो डाल दिया है। पानी सही डाल दिया है, राजमा का पानी हमें निकालना नहीं है। इसका भी इस्तेमाल हमें ग्रेवी में कर लेना है। इस तरीके से ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए मेरे राजमा इस तरीके से हुआ है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी का और इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें ये राइस के साथ खाना था। मैंने ज़्यादा पानी नहीं फिर भी डाला है। ये देखिए अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। राजमा हमारा वैसे तैयार है बिल्कुल, बस खाली हमें 2 उबाल इसमें लाने हैं। ये देखिए राजमे की रेसिपी आपको कैसी लगी है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और राजमा चावल के बगैर तो अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर चावल भी बनाए हैं।
चावल के साथ तो राजमा बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने राजमा चावल के साथ सर्व किया है, आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मेरी फुल वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, मेरी फुल वीडियो प्लीज़ वॉच किया करिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत मुझे भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।